हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम तो लॉकडाउन है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन तो चल ही रहा है। थोड़ा बहुत हम सब अपने घर में ही हैं। तो गाइस, आज मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए फ़ेस पैक, फ़ेस मास्क ये सब नहीं लेकर आऊँगी। आज आप लोगों के लिए मैं अपने घर का रूटीन दिखाती हूँ, जो शाम का रूटीन दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ डिनर और मैं और काम कैसे करती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी केयर कैसे करती हूँ, अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ। तो गाइस ये देखिए, दोपहर का हमारे यहाँ रात को ज़्यादातर रोटियां ही सिर्फ बन जाती हैं। रोटी या चावल अगर खाना होता है तो बन जाता है, बाकी दिन का दोपहर का खाना अधिकतर ऐसा होता है कि रखा रहता है। तो दाल रखी हुई है और दो सब्जियां, एक तब सब्जी तोरी की रखी हुई है और एक सब्जी आलू की रखी हुई है। तो पापा को डायबिटीज़ है इसलिए वो आलू नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तोरी की सब्जी है। तो गाइस मैंने ये फ्रिज से निकाल दिया था पहले ही, एक घंटे आधे घंटे पहले ही मैंने निकाल लिया था, रख दिया था बाहर। फिर उसके बाद में अभी मैं गरम करके और ताज़ी ताज़ी रोटी बनाऊंगी, और मम्मी से पूछ लूँगी अगर उन्हें चावल खाना होगा तो चावल बनाऊंगी, वरना रोटी ही केवल बना लूँगी। और बस ऐसे ही होता है हमारा डिनर, अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि बेबी छोटा है तो इसलिए ज़्यादा, और गर्मी भी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है तो इसलिए ज़्यादा वो पता क्या करती, मेरे ही आगे पीछे घूमा करती है, इसलिए ज़्यादा मम्मी कहती हैं ज़्यादा नहीं वो कुछ और किया करो, फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर लिया करो। तो बस मैंने फटाफट से रोटी सेक ली, रोटी सेकने के बाद फटाफट पापा को खाना दे दूँगी। और आप लोग क्या करते हो अपने नाइट रूटीन में, प्लीज़ हमें, जो भी मेरा वीडियो देखे वो प्लीज़ अपने अपने बारे में बताएं कि आप लोगों का जो नाइट रूटीन होता है वो कैसे होता है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही होता है फटाफट से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम लोग तीन ही लोग हैं, तो तीन ही लोगों के हिसाब से खाना भी बनता है, और ज़्यादा अगर बन जाए तो किस लिए। और बचा हुआ खाना गाइस हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, उठा के आप फ्रिज में रख दो, या तो उतना बनाओ जितने की ज़रूरत हो, अगर बच जाता है तो उसे उठाकर फ्रिज में रख दो, और फ्रिज से निकालने के कम मिनिमम आधे घंटे बाद, 20 मिनट या आधे घंटे बाद ही खाने को गर्म करो तो ठीक रहता है। तो बस मैं फटाफट से देखिए रोटियां सेक लूँगी और पापा को खाना दे दूँगी। पापा को खाना देने के बाद हम लोग फटाफट से खाना खा लेंगे, और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना जो किचन का वर्क है, यानी किचन में सफाई। रात को हम लोग किचन में पूरी सफाई करके, बर्तन वगैरह धुल के, गैस साफ़ करके, सब कुछ करके गाइस रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पसंद है। मुझे हर चीज़ सुबह उठो तो नीट एंड क्लीन मिलनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है शाम को सब ऐसे ही पड़ा रहे। तो बस देखिए मैं फटाफट से अपना जो फटाफट से काम है वो पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखिए मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, गैस को भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, और पूरा जो बर्तन धुलती हूँ, सिंक वगैरह बेसिन बहुत अच्छे से उसे भी क्लियर कर देते हैं। अगर गाइस आप, और इस टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छे से सफाई करनी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी एक भी बैक्टीरिया कीटाणु नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सारा काम करके, किचन बंद करके, और अपने बेबी को भी खाना वाना खिला के फ्री होके फिर मैं आऊँगी अपना स्किन केयर करने, क्योंकि वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना गाइस। और वैसे भी मुझे 2 दिन से पता है नींद नहीं कंप्लीट हुई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे थका थका सा, आप खुद देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना थका थका सा लग रहा है। और ये मैं हिमालय का फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मैं अच्छे से पहले करूँगी अपना फ़ेस वॉश। और हमारा डिनर हो चुका है, देखिए बाबू कैसे हमारे पीछे पीछे घूम रही है, बस वो ऐसे ही करती है, मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है, नहीं बैठती किसी के पास। अगर मैं कमरे में हूँ तो बैठेगी, वहाँ नहीं हूँ तो नहीं बैठेगी, मेरे पीछे पीछे बस घूमती रहेगी। सो गाइज़ आप लोग क्या करते हो और कैसे करते हो अपना नाइट जो स्किन केयर होता है, ये बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ज़रूरी होता है अपने चेहरे के लिए। तो देखिए थोड़ा सा मेरे किचन में लाइटिंग की भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ा LED लाइटें लगी हुई हैं, तो इनसे क्या है रोशनी इतनी कम होती है ना कि बिल्कुल भी ऐसा लगता है चेहरा कितना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जबकि चेहरा इतना ग्लो कर रहा है बहुत ही। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ गाइज़, ये देखिए एवरी यूथ का होम फेशियल नेचुरल है और इतना इफ़ेक्टिव है, और इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल एकदम से इतनी प्यारी आती है ना, क्योंकि ये ऑरेंज फ्लेवर में है, और ऑरेंज में तो आपको लोगों को पता ही होता है कि विटामिन सी मिलता है, और इस टाइम हर चीज़ के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, तो हमारे चेहरे के लिए भी हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं ये कभी कभी, क्योंकि फेशियल कराने तो हम जा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही इसे गाइज़ आप लोग भी इसे ट्राई करो। ये होम फेशियल इतना अच्छा है ना, अमेजिंग है, बहुत
बहुत अच्छा इंस्टेंट आपको चेहरे को एकदम से निखार देता है। इतना इतनी प्यारी स्किन और स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है ना, बहुत ही स्मूथ हो जाती है। और फेस पैक वगैरह लगाने से तो चेहरा वैसे भी पहले से ही ग्लो कर रहा है, बट लेकिन गाइस हमारे यहाँ थोड़ी सी नाइट वो लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। चेहरा मतलब अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा घर भी जो है वो बंद सा है, तो ये भी नहीं होता कि बाहर की थोड़ी सी लाइटिंग आ पाए। बट आप देख सकते हो हाथों का कलर, आप खुद देख के जान सकते हो, थोड़ा सा लाइट में अगर हाथ वगैरह पड़ते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ स्किन वाकई बहुत फेयर है। बहुत ही फेयर स्किन हो जाती है अगर हम कुछ भी यूज़ करते हैं और अच्छे से यूज़ करते हैं, तो गाइस इसे बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और हमेशा इसे होम फेशियल हो या कोई भी चीज़ हो, फेस पैक हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यूज़ करना चाहिए, ये तब भी ये अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होता है। और फिर मैं ये निकालने के बाद अच्छे से रिमूव करना चाहिए, रिमूव करने के बाद ऐसे चेहरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं लगाऊंगी, आपने देखा पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये तो हमारी स्किन के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग बहुत ही यूज़फुल है, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे हैं। तो कैसा लगा मेरा नाइट रूटीन और कैसा लगा मेरा स्किन केयर, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, नए अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।